नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीकानेर नोरंग देसर गांव की सभा में कहा कि हम दिल्ली से योजनाओं का पैसा भेजते हैं, यहां कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार देता है। कांग्रेस सरकार ने 4 साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मतलब है, लूट की दुकान, झूठ का बाजार। कांग्रेस की झूठ की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। पिछले चुनावों में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, इसके नेता ने 10 दिन में कर्जा माफ करने की कसम खाई थी। 10 दिन, 10 महीने और आज 4 साल में भी कर्जा माफ नहीं हुआ। मोदी नोरंग देसर गांव में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यहां मौजूद भीड़ का उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी चढ़ते और उतरते भी वक्त नहीं लगता है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं, दिया बुझने से पहले लपलपाता है। मोदी ने कहा, यह हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, अपने अपने झूठ को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक गुट के विधायकों को लूट की खुली छूट मिली हुई है। अब भ्रष्टाचार की नूरा कुश्ती बहुत हुई, अब लोकतंत्र के अखाड़े में जनता जनार्दन फैसला करेगी। अब राजस्थान को परिवार नहीं, विकासवाद चाहिए। यहाँ पेपर लीक की पूरी इंडस्ट्री खुल गई है, यानी यहाँ युवाओं के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की लूट ने शिक्षा संस्थानों को भी नहीं बख्शा। यहाँ के शिक्षक सीएम के सामने आकर कह रहे हैं कि तबादले के लिए खुले में घूस चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, यहाँ रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, बलात्कारियों को बचाने में पूरी सरकार लगी रहती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहती है तो देश को खा खा कर खोखला करती है, जब सत्ता से बाहर रहती है तो देश को विदेश में जाकर बदनाम करती है। पीएम मोदी ने कहा, सीएम गहलोत अपने बेटे का भविष्य बचाने में लगे हुए हैं, प्रदेश के बेटे बेटियों से कोई मतलब नहीं, कई मंत्री इसे लेकर उन पर खार खाए हुए हैं। हमारी सेना के जवान इतने सालों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, सालों तक कांग्रेस की सरकार ने उसकी उपेक्षा की। सेना के काम में भी ये लोग झूठ से बाज नहीं आए, हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को इसके तहत करीब 65,000 रुपये मिल रहे हैं। इससे पहले भाषण की शुरुआत में मोदी ने कहा, यहाँ की बात देश में कहीं भी सुने मुंह में पानी आ जाता है, यहाँ के रसगुल्लों की मिठास पूरी दुनिया में फेमस है, मुझे सावन के महीने में आने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।